हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन ओपन कंसल्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी का ऑपरेशन हुआ है, यानी कि लैप्रोस्कोपी द्वारा गॉल ब्लैडर निकालने का आपका ऑपरेशन हुआ है, तो घर जाने के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल पाए, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको कोई आधी नॉलेज ना मिले। और उसी के साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली मेम्बर्स को दिखाइए, जिससे कि सबको जानकारी मिल पाए। और अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आपका लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी या लैप्रोस्कोपी द्वारा गॉल ब्लैडर निकालने का ऑपरेशन हुआ है, तो जनरली ऑपरेशन से एक या दो दिन के बाद आपको घर भेज दिया जाता है। ऑन डिस्चार्ज आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, बट बहुत बार पेशेंट्स घर जाने के बाद में तुरंत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको कितने दिन कौन सी चीज़ करनी है। छोटी छोटी उनको तकलीफें होती हैं जिसके बारे में उनको पता नहीं होता कि किससे बात करें, डॉक्टर को फ़ोन करें, हॉस्पिटल को फ़ोन करें या खुद वहाँ पर जाएँ। तो इस वीडियो में मैं ऐसी चीज़ें कवर करूँगा जो कि कॉमनली होती हैं लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी के बाद, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बताऊँ। तो अगर आपका या आपके किसी जानने वाले का लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी का ऑपरेशन हुआ है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और उन्हें भी दिखाइए। और इस वीडियो के द्वारा आप जान पाएंगे कि ऑपरेशन के बाद घर जाने के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो होती है किसी भी ऑपरेशन के बाद, इंक्लूडिंग लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी के ऑपरेशन के बाद, वो है पेन की। जैसे ही आप घर पहुँचते हैं, आपको हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ चल रही थी उनका असर जाने लगता है और आपका पेन जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आपको ऑन डिस्चार्ज मोस्ट प्रोबेबली पेन किलर की दवाई लिख के दी जाती है, एंड 99% पेशेंट जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हुआ हो, ये पेन किलर की दवाई जो है सफिशिएंट होती है आपका पेन कंट्रोल करने के लिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑपरेशन होने के बाद लगभग 4 से 6 हफ्ते लगते हैं आपको पूरी तरह पेन फ्री होने में। 4 से 6 हफ्ते थोड़ा बहुत पेन जो है वो चलता रहता है। जनरली इसका डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है, कहने का मतलब कि ऑपरेशन होने के दिन से लेके आने वाले 1-1.5 महीने तक आपकी जो भी पेन की तकलीफ है वो धीरे धीरे कम होती जानी चाहिए। अगर वो धीरे धीरे कम नहीं हो रही है या उल्टा बढ़ती जा रही है, तो समय है कि आप अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट कीजिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो पेन के बारे में आपको याद रखनी है कि ऑपरेशन के बाद आपका जो पेन है वो धीरे धीरे कम होते जाना चाहिए, और जो बेसिक पेन किलर मेडिकेशन आपको बताई गई है उससे आपका पेन कंट्रोल में आ जाना चाहिए। अब ऑपरेशन के बाद जो पेन होता है, स्पेशली लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन के बाद, वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है शोल्डर का पेन जो कि मोस्ट कॉमनली देखा गया है, और एक होता है पेट में या एब्डोमेन पेन जो कि लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी के बाद होता है। तो ये दोनों ही केस में जो पेट का पेन है वो इसलिए होता है क्योंकि गॉल ब्लैडर के पास सर्जरी की होती है और जो इंस्ट्रूमेंट डालने की स्किन में इंसिजंस बनाए होते हैं उनमें पेन होता है। जो लेफ्ट शोल्डर में पेन होता है वो कॉमनली होता है लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर करने के टाइम जो गैस यूज़ की जाती है उसके कारण। ये दोनों ही पेन जो है एक्सपेक्टेड है, इनमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, और ये दोनों ही चीज़ें जो हैं नॉर्मली बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के अपने आप धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया, इसको 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि धीरे धीरे पेन कम हो जाए, पेन किलर की दवाई से वो कंट्रोल हो जाए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर पेन बढ़ता जा रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना। नेक्स्ट, आपको ऑपरेशन के बाद में गला खराब होने की तकलीफ हो सकती है, गले में खराश होने की तकलीफ हो सकती है, जिसको सोर थ्रोट भी कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ऑपरेशन करने के दौरान आपके गले में ट्यूब डाला जाता है जिससे कि आपको भूल देने की एनेस्थीसिया की दवाइयाँ दी जाती हैं। तो वो जो ट्यूब है वो जब गले में कुछ देर तक रखा रहता है तो आजू बाजू के जो टिश्यूज़ हैं उनमें इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उसका सोल्यूशन ये है कि आप जो चूसने वाली दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि हॉल्स है, जैसे कि विग्स है जिनको लोजेंजेस कहते हैं आप, या स्ट्रेप्सिल्स है, आप वो ले सकते हैं और उससे आपके गले को थोड़ी राहत मिल सकती है। अगेन, ये भी एक्सपेक्टेड है, इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। हो सकता है आपको ऑपरेशन करने के बाद कुछ दिनों तक लूज मोशन, स्पेशली लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी के ऑपरेशन के बाद लूज मोशन होना कॉमन है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका गॉल ब्लैडर जो है वो अचानक से निकाल दिया गया, तो जो गॉल ब्लैडर का काम है बाइल स्टोर करना, अब वो काम नहीं हो पा रहा, तो आपका जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में अब तकलीफ होती है, बॉडी को उस मैकेनिज्म में आने में थोड़ा समय लगता है या बॉडी को यूज टू होने में थोड़ा समय लगता है, उसके कारण आपको लूज मोशन हो सकता है। एट द सेम टाइम आपको जो एंटीबायोटिक दी जाती है उसके कारण भी आपको लूज मोशन हो सकता है। तो जैसे जैसे आपकी एंटीबायोटिक बंद होगी और जैसे जैसे आपकी डाइट रेगुलेट होगी,
ये डायरिया की या लूज मोशन की जो तकलीफ है वो भी अपने आप कम हो जाएगी, इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जो लैप्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट डालने के लिए जो इंसिजन देते हैं या जो पोर्ट बनाते हैं, जो छोटे छोटे घाव होते हैं 3 या 4 लगभग 1 सेंटीमीटर या उससे छोटे, उसके अराउंड आप पाएंगे कि कुछ डिस्कलरेशन हो गया है, कुछ रेडनेस आ गई है, कुछ खुजली हो रही है, या वहाँ से कभी कभी कोई पानी जैसा कुछ निकल रहा है, या वहाँ पे कोई रैशेज जैसा आ गया। ये सारी चीज़ें भी एक्सपेक्टेड हैं क्योंकि वहाँ पे एक वूंड है, तो वूंड हीलिंग के प्रोसेस में हो सकता है कि उस जगह का कलर चेंज हो जाए, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं। अगर कोई रैश वगैरह आ जाए तो बहुत लोगों को जो ड्रेसिंग की टेप होती है उसके जो गम होता है उससे एलर्जी होती है, कॉमनली पाई गई एलर्जी, तो हो सकता है आपको भी उसके कारण एलर्जी हो रही हो। जैसे ही आपका वूंड भरेगा, जैसे ही आपका घाव भरेगा, जब आप वो टेप निकालेंगे कुछ दिनों में वो भी अपने आप चला जाएगा। वूंड हीलिंग का नॉर्मल प्रोसेस है कि वूंड में खुजली होना, तो अगर आपको उस वूंड में खुजली हो रही है तो कोई घबराने की बात नहीं है, वो नॉर्मल है और वो एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो ये रहता है कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज ऑपरेशन के बाद कब से शुरू करें, तो उसका जवाब ये है कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज तब शुरू कर सकते हैं जब आपको कंफर्टेबल लगने लगे। ये बताना मुश्किल है हर आदमी के लिए कि वो कब कंफर्टेबल हो जाएगा। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो यंग लोग रहते हैं अगर उनका ऑपरेशन किया जाए तो उनकी रिकवरी थोड़ी फास्ट होती है, जो मिडिल एज रहते हैं उनकी स्लो होती है, और जो एकदम सीनियर रहते हैं उनकी और भी स्लो। तो डेली एक्टिविटी कब शुरू करनी है ये लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी ऑपरेशन के बाद में कोई फिक्स्ड दिन नहीं है। आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है कि अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आप 7 दिन तक आराम कीजिए और अगर आपने 5 ही दिन आराम किया तो आपका ऑपरेशन ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डेली एक्टिविटीज़ आपको खुद ही डिसाइड करनी होती है कब शुरू करनी है, एंड जब आप पेन फ्री हो जाए, जब आपको कोई तकलीफ ना हो रही हो कोई भी एक्टिविटी करने में, ये इंडिकेशन है कि आप उस एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है ऑपरेशन के बाद कि आपका पेट दुख रहा है तो आप बहुत देर खड़े मत रहिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, थोड़ी हल्की फुल्की वॉकिंग अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी आपको अपने आप बताएगी कि कब आप अपनी एक्टिविटी शुरू कर सकते। लगभग देखा गया है कि नॉर्मल अगर एवरेज ऑपरेशन किसी का हुआ हो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए हों लैप्रोस्कोपिक कोलेस्टेक्टमी के बाद, तो 1 हफ्ते से 10 दिन लगते हैं लोगों को अपना घर के छोटे मोटे काम शुरू करने में। अगर आपका कोई डेस्क जॉब है तो आप ऑफिस जा सकते हैं, अगर आपको ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करना है तो वो भी शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक ड्राइविंग की बात आती है, जनरली ऑपरेशन के बाद स्टार्टिंग के कुछ दिनों में 3 से 4 दिन 5 दिन आप ड्राइविंग अवॉइड कीजिए, 2-व्हीलर और 4-व्हीलर दोनों ही, बिकॉज कई सारी दवाइयों का असर होता है, कई बार डिहाइड्रेशन होता है, कई बार आपको वीकनेस जैसी फीलिंग आ सकती है, तो उसके कारण हो सकता है कि ड्राइविंग करना उतना सेफ ना हो। बट एक बार ये समय निकल जाए, 1 हफ्ते से 10 दिन निकल जाए, आपको अच्छा फील हो रहा है, तो आप बेशक बिना पूछे ही अपना डेली रूटीन शुरू कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ड्राइविंग, इंक्लूडिंग घर के छोटे मोटे काम, एंड इंक्लूडिंग बेसिक ऑफिस वर्क। उसके बाद ये सवाल आता है कि इससे ज़्यादा एक्टिविटीज़ आप कब शुरू कर सकते हैं। कहने का मतलब कि कोई अगर स्पोर्ट्स प्रेमी बंदा है जो कि काफ़ी स्पोर्ट्स में एक्टिव है, वो अपने स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में कब जा सकता है, या कोई योगा करता है, कोई कपालभाति करता है, और भी अलग अलग चीज़ों की एक्टिविटी जैसे वॉकिंग है, जॉगिंग है, इनमें पार्ट लेना चाहते हैं, तो ये सब कब शुरू की जाए, तो इसका भी आंसर यही है कि ऑपरेशन होने के बाद आप कम से कम 4 हफ्ते रुकिए। अगर आप उसके पहले ही एकदम सिम्टम फ्री हो गए, आपको कोई पेन नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो आप बेशक एक्टिविटीज़ शुरू कर सकते हैं। स्पेशली जो वजन उठाने वाली एक्टिविटीज़ है वो आप धीरे धीरे शुरू कीजिए। ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके ऊपर पेट पे प्रेशर आता है, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, वो आप धीरे धीरे शुरू कीजिए, अचानक से शुरू मत कीजिए, बिकॉज जो वूंड है, जो घाव है, उसको हील होने में कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। तो अगर आप उसके पहले बहुत ही ज़्यादा जोर देंगे तो देर आर चांसेस कि आपका वूंड जो है ठीक से हील ना हो पाए। धीरे धीरे एक्टिविटी शुरू कीजिए। अगर आप वजन उठाना चाहते हैं, अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो आप वो उसको धीरे धीरे अपने लाइफ में वापस लाइए, अचानक से जोश में एक साथ शुरू मत कर दीजिए। तो उसके लिए यही रिकमेंडेशन है कि अगर आप जिम जाना चाहते हैं, अगर आप योगा करना चाहते हैं, अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो आप उसको धीरे धीरे अपने रूटीन में वापस लाइए। पहले कम वेट, फिर ज़्यादा वेट, और एक बार आप एकदम कंफर्टेबल हो जाए उसके बाद आप अपने नॉर्मल शेड्यूल पे आ जाइए। एक और जो बहुत कॉमनली पूछा गया सवाल होता है कि ऑपरेशन के बाद नहा कब सकते हैं। ऑपरेशन के बाद आप कब नहा सकते हैं, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपके जो टाके लगाए हैं, जो सूचर्स हैं, वो कौन से टाइप के हैं। लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन के बाद जनरली सूचर्स जो होते हैं, जो टाके होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। इसमें कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आप नहा नहीं सकते। आजकल की जो ड्रेसिंग है वो भी वाटरप्रूफ आने लगी है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको हॉस्पिटल से वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लगा के दी जाए, तो आप बेशक नहा सकते हैं और घाव को जो है वो कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं।
सपोज अगर आप नहाना शुरू कर दिए और आपकी पट्टी निकल गई, ड्रेसिंग निकल गई, और अब आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँगा कि अब तो वुंड एक्सपोज हो गया, तो उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। आप उस जगह को डेटॉल या किसी साबुन से क्लीन पानी से साफ कर सकते हैं। उसके ऊपर आप बैंडेड या हैंडी प्लास लगा सकते हैं। बैंडेड या हैंडी प्लास मेडिकल शॉप में बहुत ईजिली अवेलेबल होता है, आप उसको लगा दीजिए और आपको फिर उसके बाद में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रेगुलर फॉलोअप के लिए जाइए, जैसे आपको बताया गया है जनरली लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर ऑपरेशन के बाद हफ्ते से 10 दिन के बाद बुलाते हैं। आप आराम से बिना किसी टेंशन के जाइए अपने डॉक्टर के पास और उनको अपना वूंड, अपना घाव जो है वो दिखा दीजिए। तो नहाने की जहाँ तक बात आती है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप नहाना बेशक ऑपरेशन के एक या दो दिन बाद शुरू कर सकते हैं। जो टाके लगाए जाते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं, एक एब्जॉर्ब होने वाला और एक एब्जॉर्ब नहीं होने वाला। जो एब्जॉर्ब होने वाला रहता है वो धीरे धीरे अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आप एक दिन पाएंगे कि घाव जो है वो पूरी तरह भर चुका है, तो आप अपने आप ही ड्रेसिंग निकाल सकते हैं और आप अपने नहाने की एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। अगर वो नॉन एब्जॉर्बेबल है तो आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि वो गीला नहीं रह जाए, क्योंकि अगर वो गीला मॉइस्ट रह जाता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि अगर नॉन एब्जॉर्बेबल चूचर है, जैसे स्टेपलर है या नायलॉन ब्लैक कलर का धागा है, सिल्क का धागा है फॉर एग्जाम्पल, उसको क्लीन रखें और उसके ऊपर एक बैंडेज जो है वो लगा दें कवर करने के लिए। अनदर वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन कि लैप्रोस्कोपिक कोलेस्टेक्टोमी के बाद में खाना कौन सा खाना चाहिए। अब इसके दो आंसर्स हैं। इमीडिएटली ऑपरेशन के बाद कोई भी डॉक्टर चाहेगा कि आप हाइजीनिक और तेल और मसाले से रहित खाना खाएं। कहने का मतलब कि आपको बहुत सारी दवाइयाँ चल रही होती हैं, उन दवाइयों के कारण एसिडिटी होती है, लूज मोशन होता है। हम नहीं चाहेंगे कि आप ऑपरेशन होते ही अनहाइजीनिक खाना खाएं जिसके कारण आपको और इन्फेक्शन हो जाए, और ये भी नहीं चाहेंगे कि आप कोई बहुत तेल मसाले वाला खाना खाएं जिससे कि आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो। तो ये तो हो गया लैप्रोस्कोपिक कोलेस्टेक्टोमी के बाद में आपको इमीडिएटली क्या खाना चाहिए, यानी कि आने वाले 5 से 7 दिन। एक बार आपका गॉल ब्लैडर रिमूवल ऑपरेशन हो गया, यानी कि गॉल ब्लैडर निकालने की सर्जरी हो गई है, तो आपको लाइफ लॉन्ग ट्राई करना चाहिए कि आप कम फैट वाला खाना खाएं। बिकॉज गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल स्टोर करके रखना और बाइल का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना। तो गॉल ब्लैडर निकालने के बाद जो आपका फैट डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप बहुत फैट वाली चीज़ें एक साथ ना खाएं। आप फैट जो है अपनी डाइट में धीरे धीरे कम करें। एट द सेम टाइम आपको न्यूट्रिशियस खाना जो है वो बढ़ा देना चाहिए। फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है आपकी डाइट में ज़्यादा होने चाहिए, फाइबर्स आपकी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए जिससे कि मैक्सिमम न्यूट्रिशन आप अब्जॉर्ब कर पाएँ। तो ये रिकमेंडेशन है इन द लॉन्ग रन आफ्टर योर गॉल ब्लैडर सर्जरी। गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद ये लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सब लोग भूल जाते हैं कि कोई भी ऑपरेशन किया जाए उसके बाद में हाइड्रेशन जो है वो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन मतलब आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए। पानी पीने के अनगिनत बॉडी के लिए फायदे होते हैं। आप डिहाइड्रेशन से बचते हैं, आपका बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस है वो बना रहता है, आपकी रिकवरी जो है वो काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छी हो जाती है अगर आप वेल हाइड्रेटेड है। द लास्ट रिकमेंडेशन इज दैट यू शुड बी वेल हाइड्रेटेड, यू शुड मेंटेन योर हाइड्रेशन प्रॉपरली। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और डॉक्टर को कब फ़ोन करना चाहिए। अगर आपका ऑपरेशन हो गया, आप घर आ गए 1 से 2 दिन, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपको फीवर आ रहा है, आप देख रहे हैं कि आपको उल्टी आ रही है, आप देख रहे हैं कि उल्टी में कुछ तो येलो कलर का आ रहा है या ग्रीन कलर की उल्टी हो रही है लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी के बाद में, या आप देख रहे हैं कि आप मोशन तो पास कर पा रहे हैं लेकिन मोशन जो है वो ग्रे कलर का हो गया है, वो नॉर्मल येलो कलर का नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हैं कि आपकी आईज जो है वो येलो कलर की होती जा रही है, तो ये सब सिचुएशन हैं जिसमें कि आपको अपने डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए, ये बिकॉज हो सकता है कि आपके ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और इसके बाद आपको ये क्लियरली समझ आ गया हो कि आपके गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू द चैनल, लिव हेल्दी लिव स्मार्ट।